How are you doing today? I hope you're doing good. Well, आज हमारे साथ एक ऐसी व्यक्ति है जो एक worship warrior है. She is a worship warrior all the way from Aligarh, from Soul Fire Ministries. वो Soul Fire Ministries से एक worship warrior है. और वो आज हमको सच्ची आराधना के बारे में बात करने वाला है. She's going to teach us, talk to us, speak more about true worship. So without wasting time, let's all just listen to what Angelina Daniel has to speak to us. Praise the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ चैनल The Other 167 के लिए, जिनके द्वारा परमेश्वर का वचन आप सब तक पहुंचता है. आज हम सीखने जा रहे हैं कि सच्ची आराधना क्या है. हम गुलाब की खुशबू या शहद की मिठास का अनुभव तब तक नहीं कर सकते जब तक हम गुलाब को सूंघ ना लें और शहद को चख ना लें. वैसे ही सच्ची आराधना है. हम सच्ची आराधना का अनुभव तब तक नहीं कर सकते जब तक हम परमेश्वर को अच्छी तरह से जान ना लें, उनके प्रेम को अच्छी तरह से समझ ना लें. और ये तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर के उस निस्वार्थ प्रेम को, उस अगापे प्रेम को ना समझ लें. हम सच्ची आराधना का अनुभव कर सकते हैं जब हम आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं, तो उनके बारे में सोचकर हमारा हृदय, हमारा दिल भर जाता है और वो आराधना हमारे दिल में शुरू हो जाती है. हालेलुया. आराधना हमारे दिल से शुरू होती है और उमड़ते हुए एक बाढ़ की तरह हमारे होठों से बाहर आती है. जब एक व्यक्ति परमेश्वर के उस निस्वार्थ प्रेम के बारे में सोचता है, उस पर मनन करता है, तब उसका हृदय परमेश्वर के उस प्रेम से भर जाता है और उस प्रेम की बहुतायत के कारण प्रशंसा के शब्द उसके मुंह से बाहर निकलने लगते हैं. जैसे लिखा है, आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ द हार्ट द माउथ स्पीक्स. इसको सच्ची आराधना कहते हैं. वचन में लिखा है भजन संहिता चैप्टर 45 वर्स 1 में, दाऊद कहते हैं, मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है. हालेलुया, हालेलुया. इसी तरह से जब हम परमेश्वर के उस प्रेम के बारे में, परमेश्वर की महानता के बारे में, परमेश्वर के कामों के बारे में, उनकी सुंदरता के बारे में सोचते हैं, उस पर मनन करते हैं, तब हमारा हृदय धन्यवाद से भर जाता है और प्रशंसा के शब्द हमारे मुंह से निकलने लगते हैं. परमेश्वर की स्तुति के शब्द हमारे मुंह से निकलने लगते हैं. हालेलुया. ये होती है सच्ची आराधना. तो अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें, जैसे लिखा है कि परमेश्वर भी सच्चे आराधकों को ढूंढ रहे हैं. गीत गाने वाले बहुत लोग हैं पर परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढते हैं. तो अगर आप आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करना चाहते हैं, तो परमेश्वर के उस प्रेम के बारे में सोचिए जो वो हमसे करते हैं, जो उन्होंने हमसे किया. परमेश्वर की उस महानता के बारे में सोचिए, परमेश्वर की सुंदरता के बारे में सोचिए, उसे मनन करिए, तब आपका हृदय परमेश्वर के उस प्रेम से, उनकी महानता से भर जाएगा. तब वो सच्ची आराधना आपके दिल से शुरू होगी, आपके होठों से बाहर आएगी. आमीन. इसी तरह से परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करते रहें.
एंजॉय द वीडियो। सच में सुन के बहुत ही अच्छा लगा। सच्ची आराधना क्या है? हमको वर्शिप करना है खुदा को सच्चाई में और पूरी मन और हृदय से। वी हैव टू वर्शिप अ गॉड इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ, आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ अ हार्ट आवर माउथ स्पीक्स। वी हैव टू वर्शिप गॉड इन गुडनेस, इन काइंडनेस। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, फॉलो अस ऑन फेसबुक, Instagram, and don't forget to hit that bell icon when you subscribe to our channel. Also, if you want to write to us, you write to us on the email ID as shown on the screens. Till later, have a good one. Be blessed.